गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर, अक्षय कुमार के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो केस हुआ था, कैन यू एक्सप्लेन दैट? इन दिनों में तो कुछ नहीं हुआ सर, ये 2016 की बात है। हाँ, 2016 ACIT वर्सेज अक्षय कुमार जयपुर ट्रिब्यूनल, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस सर, यस सर। तो वो तो बहुत पुराना केस है भाई। सर पुराना तो है लेकिन अक्षय कुमार है। वो तो है, अक्षय जी की तो बात ही अलग है। लिटरली ये हुआ था कि उनका कोई राजस्थान में बैंक अकाउंट था, उसमें अक्षय जी ने 19 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए। अच्छा। डिपार्टमेंट को रास नहीं आया इतना कैश डिपॉजिट, उन्होंने बुलाया, पूछताछ की और फिर पेनल्टी लगा दी 271D में। सर कैश डिपॉजिट में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में एक लॉ है इनकम टैक्स एक्ट, उसका एक धारा है सेक्शन 269SS, और उस धारा के अनुसार आप किसी से भी कैश में लोन या डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। अच्छा। 20,000 से ज़्यादा, सिर्फ 20,000, और अक्षय जी ने तो 19 लाख रुपीज कैश जमा किया था। तो आप किसी से भी 20,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट या कैश लोन नहीं ले सकते। तो अक्षय जी का ये वायलेशन माना गया 269SS का, उनको पर पेनल्टी लग गई। लोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैसे अक्षय जी के नहीं थे, ये पैसे थे अक्षय जी के पिताजी के, उनका नाम है निरंजन लाल शर्मा। तो निरंजन लाल शर्मा जी के, उन्होंने कोई एग्रो लैंड बेची थी, उनके और उनके भाई की वाइफ यानी निरंजन लाल शर्मा के छोटे भाई की पत्नी और निरंजन जी, ये दोनों किसी एग्रीकल्चरल लैंड के को ओनर थे। ऐसे समझिए अक्षय के पिताजी और अक्षय के आंटी जी, ये दोनों किसी एग्रो लैंड के को ओनर थे। उन्होंने ज़मीन को बेचा, 19,50,000 रुपया आया, 19,50,000 में से 19 लाख वो बैंक में जमा करना चाहते थे, परंतु निरंजन लाल के बैंकर को प्रॉब्लम ये थी कि निरंजन जी के पास पेन नहीं था, परमानेंट अकाउंट नंबर। अच्छा। बिना पेन के आप इतना बड़ा अमाउंट कैश में जमा नहीं कर सकते, बैंक ने डिनाई कर दिया। जब बैंक ने डिनाई कर दिया तो अब पैसे कहाँ रहे? कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, 2008 की बात है ये, तो 2008-09 फाइनेंशियल ईयर में 19 लाख रुपीज़ घर में क्यों रहेगा कोई? तो उन्होंने अक्षय को बोले तुम अपने बैंक में डाल दो और अपने बैंक से फिर मेरे बैंक में एक चेक काट देना, फैमिली अरेंजमेंट इतना तो सब घर में होता है। अक्षय डिड द सेम, वो 19 लाख रुपीज़ लेके उसने अपने बैंक अकाउंट में डाला और अपने बैंक अकाउंट से अपने पापा और अपनी आंटी को चेक काट दिया इमीजिएट विद इन अ वीक और टू। लेकिन डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया मेरे पापा के पैसे हैं। बोले तब तो फिर आपने पापा से लोन ले लिया, कैश में लोन ले लिया, 269SS का वायोलेशन हो गया और उनको ऊपर पेनल्टी लगा दी। बीइंग अच्छा डिससेटिस्फाइड दिस डिसीजन, तो उन्होंने इसको ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपील कर दी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने पूरा केस सुना, भाई बताओ हुआ क्या। तो अच्छा जी ने अपना प्ली ये दिया, देखिए मेरे पापा और आंटी की कोई ज़मीन है जिसको उन्होंने बेचा है, बेचने का उन्होंने सेल डीड दिखाया, सेल डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश में पैसा मिला है, कैश में इतना पैसा मिला है, अब पापा के पास पेन नहीं है, पापा के बैंकर ने डिनाई कर दिया इतना कैश डिपॉजिट लेने के लिए, उसका भी उन्होंने प्रूफ दिखाया। फिर उन्होंने पापा की एक एफिडेविट दिखाई जिसमें पापा साफ साफ लिख रहे हैं कि भैया ये पैसा मेरा है जो मैं अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अक्षय के बैंक अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, ऐसी उन्होंने एक एफिडेविट भी दिखाई। फिर वो पैसे जब बैंक में गए उसके बाद अक्षय ने दो चेक काटे अपने पापा और अपनी आंटी के नाम और कैश इमीजिएटली डिसबर्स कर दिया। तो फिर कमिश्नर अपील ने अक्षय को रिलीज कर दिया। कमिश्नर अपील ने जब अक्षय को रिलीज कर दिया तो फिर वो ट्रिब्यूनल में गए, जयपुर ट्रिब्यूनल। जयपुर ट्रिब्यूनल ने फिर से केस सुना, भैया डिपार्टमेंट वाले ना जल्दी से हार नहीं मानते और खास करके बड़े सेलिब्रिटी के साथ तो इनको लड़ने में मजा आता है। तो ये ट्रिब्यूनल में चले गए केस लेके, अभी तो हारो भैया CITA से, फिर ट्रिब्यूनल में पहुंच गए। बोला तो अपील हो गई कहाँ पे? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के सामने अक्षय ने दो तीन पेस और कर दिए कि देखिए पेन नहीं था तो पापा पैसे कहाँ रखते? डिपार्टमेंट ने, ट्रिब्यूनल ने बोला ओके। फिर ट्रिब्यूनल ने थोड़ा और चेक किया कि अक्षय के पिताजी यानी निरंजन लाल शर्मा जी ने बाद में पेन नंबर ले लिया,
मतलब ये सारी कहानी होने के बाद, बाद में पैन नंबर ले लिया और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भर दिया। अपना इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने वो इनकम भी दिखा दी, कौन सी, एग्रो लैंड को बेचने पे जो कैपिटल गेन आया वो भी दिखा दिया, यानी उस पर प्रॉपरली टैक्स पेमेंट हो गया। यानी लिटरली गवर्नमेंट का कोई टैक्स का पैसा मरा नहीं है। अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने भी कमिश्नर अपील के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया। अच्छा, फिर से केस जीत गए। तो सर फिर वो हाई कोर्ट में नहीं गए? ट्रिब्यूनल के पास जब केस चल रहा था तो अक्षय के वकील ने दो तीन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स यानी पुराने केस दिखा दिए। एक केस उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का ही दिखाया, केस का नाम था राजकुमार शर्मा बोल के कोई केस था। और एक उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का केस दिखाया, केस का नाम था परमानंद बोल के कुछ था। तो ऑलरेडी जब दो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स है उसमें से एक तो राजस्थान हाई कोर्ट का ही है, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब तो ये मामला हाई कोर्ट के पुराने डिसीजंस आए हुए ऐसे जिसमें पेनल्टी लगाने का प्रोविजंस नहीं है। हाई कोर्ट ने पहले भी डिसीजंस दिए हैं कि जब बंदे का कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है तो आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। सर एक बात समझ में नहीं आई कि जब लॉ का वायलेशन हुआ है तो पेनल्टी क्यों नहीं लगी? देखिए, हर लॉ के वायलेशन में पेनल्टी नहीं लगती। पेनल्टी का एक फंडामेंटल है जिसका नाम है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब कल्प्रेट माइंड। कल्प्रेट माइंड मतलब मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब जब आप कोई जानबूझ के गड़बड़ करते हो या निग्लिजेंस में गड़बड़ करते हो या कोई बैड इंटेंशन, टैक्स की चोरी के लिए यदि आप कोई लॉ का वायलेशन करते हो ना, तब तो आपको ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का कोई भी प्रोविजन ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने लॉ का वायलेशन किया पेनल्टी अपने आप लग गई। नो, ऐसा कहीं नहीं है। पूरे इनकम टैक्स का कोई भी पेनल्टी लगेगा तो उससे पहले मेंस रिया प्रूव होना जरूरी है। अच्छा, ये जो मेंस रिया है ना, ये ओनस टू प्रूव इज ऑन दी एसएससी। यदि एसएससी प्रूव कर दे कि आई हैड नो मैलाफाइड इंटेंशन, तो फिर डिपार्टमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे अक्षय ने अच्छे से प्रूव कर दिया कि भैया हमारा कौन सा मैलाफाइड इंटेंशन, पापा का पैसा एग्रो लैंड बेच के आया, उस कैपिटल गेन पे टैक्स दे दिया गया, पापा के बैंकर ने पैसा लिया नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में डाला गया, उसके बाद मेरे बैंक से वापस से पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो भी इमीडिएट विद इन 1 वीक और 2। तो जब सारा जिसका पैसा था उसको दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और ऊपर से कोई टैक्स की चोरी भी नहीं की, तो मैलाफाइड इंटेंशन कहाँ से आया? जब मैलाफाइड इंटेंशन प्रूव ही नहीं हो पाया तो फिर पेनल्टी नहीं लगी। आई होप आपने देख लिया कि अच्छे जी ईमानदार इंसान है। ये तो एकदम सही बात है। तो फाइन, फिर कभी ऐसा कुछ केस सुनने का मन हो मैडम तो हमें स्टूडियो बुलाइए। श्योर सर।